आज हम बना रहे हैं पिज्जा स्टाइल मूंग दाल डोसा, या हम इसको स्टफ्ड चीला भी बोल सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी ट्विस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पिज्जा स्टाइल मूंग दाल स्टफ्ड चीला, या हम इसको मूंग दाल डोसा भी बोल सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फिर जल्दी से बना लेते हैं मूंग दाल स्टफ्ड चीला। ये धुली हुई मूंग की दाल है, छिलके वाली नहीं है। मैंने इसको रात भर भिगो के रख दिया था, सुबह इसका पानी सारा निकाल लिया, एक बार फिर से इसको धो लिया है। अब हम इसको मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड कर लेते हैं। दाल को हमने मिक्सर ग्राइंडर में डाल लिया है। अब इसमें एक मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ, आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो। चुटकी भर इसमें मैं हींग डाल रही हूँ, ये आधा छोटा चम्मच मैं नमक का डाल रही हूँ। इसमें हल्की सी इसमें काली मिर्च डाल रही हूँ मैं। अब एक टेबलस्पून के करीब इसमें पानी का डाल रही हूँ मैं, ज़रूरत पड़ेगी तो और पानी थोड़ा सा हम डाल सकते हैं। इसको अब हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये दाल हमारी ग्राइंड हो चुकी है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। अभी ये थोड़ी गाढ़ी है तो हमने इसको पतला करना है। हम मिक्सी के जार में ही पानी डालकर इसमें डाल देंगे ताकि जो उसके साथ लगी हुई दाल है वो भी निकल जाए। ये देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अब ये बैटर हमारा तैयार हो चुका है, अब हम स्टफिंग भी इसकी तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा घी डाल रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा। आप घी की जगह ऑयल भी डाल सकते हैं, मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैंने घी लिया है। अब इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ प्याज और शिमला मिर्च, इसको रोस्ट कर लेते हैं हम। सब्जियाँ आप अपने मनपसंद कोई भी ले सकते हो, बस इसको थोड़ा सा रोस्ट करना है, पूरी तरह से इनको पकाना नहीं है। अब इसमें पनीर भी काट कर डाल देते हैं, हल्का फुल्का सा इसमें नमक मिर्च डाल देंगे, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। क्योंकि हमने बीच में सॉस लगानी है इसलिए ज़्यादा नमक मिर्च नहीं डाल रही हूँ मैं। दो मिनट तक इनको सोटे करेंगे और गैस का फ्लेम हम बंद करके इसको ठंडा होने देंगे। अब यहाँ पर मैंने तवा ले लिया है, इसको हम ग्रीस कर लेते हैं। अब एक्स्ट्रा घी हम पोंछ देंगे और गैस का फ्लेम थोड़ा स्लो कर देंगे, तवे को थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब किसी भी कटोरी या चम्मच से हम मिक्सचर को इसके ऊपर डालेंगे, धीरे धीरे से इसको फैलाएंगे। जितना साइज़ आप बनाना चाहते हैं उतना साइज आप फैला सकते हैं यहाँ पर तवे पर। फ्लेम को आप मीडियम कर सकते हैं। थोड़ा पकने पर इसकी साइड्स पर हम थोड़ा थोड़ा घी लगा देंगे या फिर ऑयल लगा देंगे, जो भी आप यूज़ करें। अब हम थोड़ा चेक कर लेते हैं कि दूसरी साइड से ये पक गया कि नहीं। ये दूसरी साइड से पक चुका है तो हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं। अब हम लगाएंगे इस पर पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, उसके ऊपर हम अपनी स्टफिंग डाल देंगे और इसके ऊपर मैं ये मोज़रेला चीज़ को ग्रेट करके डाल रही हूँ। अब दूसरी साइड से भी हमारा चीला पक चुका है तो अब हम इसको रोल कर देते हैं दोनों साइड से। तो अब ये हमारा डोसा बनकर तैयार हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरा बना लेते हैं, वही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। तवे को ग्रीस कर लेंगे, फिर एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देंगे, तवे को ठंडा करके इसके ऊपर हम बैटर डाल देंगे। इस बार हम बटर यूज़ कर रहे हैं, बटर से पिज़्ज़ा का टेस्ट पूरी तरह से आएगा। थोड़ा पकने पर अब इसकी साइड चेंज कर देंगे। अब इस बार मैं स्टफिंग जो है साइड पर डाल रही हूँ। यहाँ पहले हम सॉस लगाएंगे, इसके ऊपर स्टफिंग डालेंगे और इसको दूसरी साइड से फोल्ड कर देंगे। अब ये दूसरी साइड से भी पक चुका है,
तो ये पिज़्ज़ा डोसा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। ये भी तो इसी तरह से बाकी के भी सारे बना लेते हैं। तो देखिए ये पिज़्ज़ा स्टाइल स्टफ्ड चीला या डोसा, मूंग दाल डोसा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में। टेस्ट आपका और आइडिया मेरा। बने रहिए फिर टेस्टी टेस्ट मेरे साथ इसी तरह से। धन्यवाद।